गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामशिला मोड़ के समीप स्थित एक गोदाम से चोरों ने लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। इस संबंध में पीड़ित गोदाम मालिक रवि केश कुमार शर्मा ने बताया कि आज पहले सुबह अपने एक स्टाफ के साथ गोदाम पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग दुकान के अंदर प्रवेश किए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि यह गोदाम सेफ एक्सप्रेस नाम से संचालित है, जहां ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कई ब्रांडेड कंपनी के कपड़े यहां लाए जाते हैं। लगभग 12 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी हुई है। इसके बाद हमने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन शुरू की है। इस घटना की सूचना कंपनी के बड़े अधिकारियों को भी हमारे द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि संभवतः देर रात्रि चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। वहीं कोतवाली थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना पीड़ित दुकानदार के द्वारा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जल्दी घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। आज सवेरे 7:30 बजे जैसा कि डेली हम अपना गोदाम खोलते हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट है रामशिला मोड़ पर सेफ एक्सप्रेस के नाम से, उसका हम यहाँ एजेंसी दे रखते हैं, ठीक है। 7:30 बजे गाड़ी खाली करवाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले अंदर आए, मेन गेट का जो छोटा गेट है वो सवेरे खुल जाता है, सवेरे 6 बजे के आसपास में खुल जाता है, तो उससे अंदर आ करके अपने स्टाफ को चाबी दिए तो आकर के बोला कि देखिए सर, सो मतलब छोटा वाला जो शटर है उसमें ताला है ही नहीं। तो हम भी देखे तो आश्चर्यचकित हो गए। फिर बोले कि ठीक है मेन गेट का ताला खोल करके देखो। तो मेन गेट का ताला जब चेक किए तो ताला जो हम लोग लगाते हैं वो ताला नहीं था, उस ताला के जगह पर दूसरा ताला था। फिर शटर जब ओपन किए तो माल बेतरतीब ढंग से इधर उधर फेंका हुआ था, कार छाँट करके जब देखे तो बहुत सारा माल नहीं था। तो तत्काल हम फ़ोन नंबर व्यवस्था किए कोतवाली थाना इंचार्ज बड़ा का और उनको खबर किए और तुरंत ही अपने कंपनी के जो पदाधिकारी हैं पटना में जो बैठते हैं उनको भी हम खबर किए कि ऐसे ऐसी घटना कल रात में हुई है। सवेरे हम 7:30 बजे आकर के देखे तो ऐसा हम पाए हैं। कितना का माल चोरी हुआ? माल लगभग अभी तो पूरा बैठ करके ये नहीं किए हैं, हिसाब नहीं बनाए हैं इसका, लेकिन ऐसे अंदाजे से 12 से 15 लाख के बीच। सुबह जब आए थे तो कौन सा स्टाफ आया हुआ था आपका? मेरा स्टाफ जो अनलोडिंग का है वो आया हुआ था 7:30। वो आपको नहीं बताया कि दरवाजा खुला हुआ है? क्या हम ही आते हैं तो ही हम चाबी देते हैं? तो मतलब वो आके बाहर खड़ा था? वो आकर के बाहर खड़ा था, तो वो नहीं देखा कि ताला खुला हुआ है? हम लोग दोनों साथ में प्रवेश किए अंदर, ठीक है, और उसके बाद में चाबी दिए तो बोला कि ताला है नहीं, हम भी वहीं पर खड़े हैं, लेकिन उतना माइनोरिटली देखे नहीं। फिर देखे कि ताला सही में नहीं है, फिर शटर जब ऊपर करवाए तो देखे कि माल नहीं है अंदर में बहुत सारा। सीसी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है? सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ रविकेश कुमार शर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।